नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा नाग कन्या। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिसमा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था, तारा ओन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी, जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजयी होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी, कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ, शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को अंतिम नहीं माना जाएगा, अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक कर झूमने लगे। अब ताराओन और उसकी पत्नी नाग कन्या गाँव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं।